नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे रेलवे और प्लेटफार्मों पर, यानी कि रेलवे के अंदर ट्रेनों में मिलने वाले खाने और प्लेटफार्म पर मिलने वाले खाने को लेकर। खासकर इसको लेकर जो है एक बड़ा अपडेट रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। रेलवे की खबरें इन दिनों मीडिया की सुर्खियों बन रही है। इन दिनों रेलवे अपने कई नियमों में बदलाव करता रहा। बता दें कि रेलवे अपने यात्रियों को यात्रा के दौरान ज़्यादा परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए पटरियों पर काम शुरू किया है, जिससे कि ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाई जा सके। वहीं अगर हम ट्रेनों के खान पान की बात करें तो अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिगेंस ने कहा है कि ट्रेनों या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पर सर्व किए जाने वाले फूड पर अब 5% समान GST लगाया जाएगा, यानी कि सामानों में जो है GST लगाया जाएगा। GST को लेकर चल रहे विवाद को समाप्त करते हुए AAAR ने बताया है कि चाहे रेलवे लाइसेंस प्राप्त कैडर यानी कि कैडरर द्वारा फूड सर्व किया जाता हो या फिर बगैर लाइसेंस वाले कैडर मील सर्वे कर रहे हों, बता दें कि इन सभी पर 5% GST चार्ज लागू कर दिया गया है। बता दें कि ट्रेनों में सप्लाई होने वाले समाचार पत्रों की सप्लाई पर गुड्स और सर्विस टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की तरफ से GST में किसी तरह का कोई बदलाव जब नहीं किया गया, तो रॉयल अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने कहा कि GST को अलग अलग वस्तुओं पर इसकी लागू दरों के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ट्रेनों या फिर प्लेटफॉर्म पर सर्विस के आधार पर अलग अलग GST की दरें लागू हो सकती हैं। AAAR की तरफ से जारी फैसले में यह कहा गया है कि एक मेन्यू पर फूड एंड ड्रिंक प्रोडक्ट यानी कि पका हुआ या फिर MRP या फिर पैक प्रोडक्ट की सप्लाई के मामले में और IRCTC की ओर से IRCTC व यात्रियों के टैरिफ के रूप में राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेनों में क्लासिफाइड किया जाता है। उन्होंने कहा कि ट्रेन परिवहन का एक साधन है, इसलिए इसे रेस्तरां, मेस या फिर कैंटीन नहीं कहा जा सकता। इससे पहले एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने माना कि GST अलग अलग वस्तुओं पर इसकी लागू दरों को लगाया जाएगा। इसके अलावा ट्रेनों या फिर प्लेटफॉर्म पर सेवा के आधार पर अलग अलग GST दरें लागू की जा सकती है। आपको बता दें कि पहले जो है दो तरह का GST की दरें लगती थी, एक 5% का, दूसरा 18% का। अगर रेस्टोरेंट पर फूड खाया जाता है या फिर उसे पैक करवाया जाता है तो उस पर 5% GST लगता है। वहीं अगर हम ट्रेन में फूड की डिलीवरी करवाते हैं तो 18% GST लगता है। AAAR ने यह भी कहा कि ट्रेन ट्रांसपोर्ट का एक साधन है, इसलिए इसे रेस्टोरेंट, भोजनालय, कैंटीन आदि नहीं कहा जा सकता। यात्रियों को सीधे मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में भोजन और पेय पदार्थों की सप्लाई में सर्विस का एलिमेंट शामिल नहीं है। इसे माल की शुद्ध सप्लाई के रूप में माना जाएगा और GST लगाया जाएगा, इसलिए इस पर व्यक्तिगत वस्तुओं पर लगने वाला GST की दर लागू होगा। आपको बता दें कि AAAR ने एक फैसले के खिलाफ दीपक एंड कंपनी के अपील दायर किया था। बता दें कि यह कंपनी राजधानी ट्रेनों के साथ साथ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रियों को भोजन की आपूर्ति के लिए भारतीय रेलवे के साथ एक समझौता किया था। बता दें कि इस कंपनी के द्वारा रेलवे स्टेशनों पर फूड प्लाजा के द्वारा भोजन दिया गया है। याचिकाकर्ता ने अपने दाखिल में यह भी कहा है कि 26 जुलाई 2018 के एक बाद का जिक्र किया, जिसमें भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम या फिर उसके लाइसेंस धारियों द्वारा खाद्य पेय पदार्थों की आपूर्ति प्रदान की गई थी। चाहे वह ट्रेनों के हों या फिर प्लेटफॉर्म पर, बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5% GST लगाया जाएगा। तो एक तरह से यह तय हो गया कि अब अगर आप रेलवे में, अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, उस दौरान अगर आप किसी से भी खाना खाते हो, वो किसी तरह का वेंडर हो, IRCTC का हो या फिर बाहरी कोई व्यक्ति हो, अगर वो कोई सामान बेच रहा है तो उसमें अब आपको जो है 5% GST के साथ वो सामान मिलेगा। या फिर कह लें कि प्लेटफॉर्म पर जब आप सफ़र कर रहे हो, प्लेटफॉर्म पे आप हो और आपकी ट्रेन लेट हो और आप उसमें बैठे हों, यहाँ भी अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो यहाँ भी आपको जो है खाने के सामानों में खास करके 5% GST लगने वाला है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।